जय तिरुपति बालाजी। दोस्तों, तिरुपति बालाजी दर्शन से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आई है। अधिकांश में तो ये पूछा गया है कि अभी के समय में तिरुपति बालाजी के दर्शन में कितना समय लग रहा है, सर दर्शन टोकन से दर्शन में कितना समय लग रहा है, फ्री दर्शन में कितना समय लग रहा है, स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट से दर्शन करने में कितना समय लग रहा है, और कुछ और भी सवाल है जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। इसके साथ ही TTD ने अलीपीरी मार्ग से होकर यात्रा करने वालों के लिए भी नई जानकारी दी है, जिसे मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो बने रहिए दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं कि तिरुपति बालाजी के दर्शन में कितना समय लग रहा है। दोस्तों, ऐसे तो तिरुमाला में भी भीड़ बहुत ही ज़्यादा हुई है। वीकेंड के साथ साथ छुट्टियाँ होने के कारण भी तिरुमाला में भीड़ बढ़ी है, लेकिन आज की स्थिति में भीड़ धीरे धीरे घट रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जिनके पास भी स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट था और वे दर्शन के लिए गए थे, तो पिछले दिन उनके दर्शन लगभग 3 से 5 घंटे में हुए हैं। और दोस्तों, जिन्होंने भी 2 अक्टूबर को SSD टोकन यानी स्लॉटेड सर्व दर्शन टोकन लिया था, तो उन्हें दर्शन करने में लगभग 5 से 6 घंटे तक का भी समय लगा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि फ्री दर्शन लाइन से होकर जो भी लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं उन्हें कितना समय लग रहा है। तो जो भी लोग अब फ्री दर्शन लाइन से होकर दर्शन के लिए जा रहे थे, तो उनके दर्शन लगभग 15 से 20 घंटे में हो जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, ये छुट्टी होने के कारण भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए इतना ज़्यादा समय लगा है, लेकिन अब धीरे धीरे भीड़ घट रही है और दर्शन करने में भी थोड़ा कम समय लगेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो टाइम का गैप मैंने बताया है, ये अलग अलग समय के लिए है। जैसे कि सुबह के समय दर्शन करने में थोड़ा कम समय लगता है, और इसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है तो भीड़ भी थोड़ी बढ़ती रहती है, और उसी के हिसाब से दर्शन करने में समय भी लगता है। दोस्तों, अब एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे देना चाहता हूँ, और ये इन्फॉर्मेशन अलीपीरी मार्ग से होकर यात्रा करने वालों के लिए है। आप लोगों ने कुछ समय पहले ये जरूर सुना होगा कि तिरुमाला में लियोपार्ड का हमला बहुत ज़्यादा हो रहा था। लियोपार्ड के हमले से एक बच्चे के साथ बहुत बुरी दुर्घटना हुई थी, और लियोपार्ड की तरफ से कुछ और लोगों पर भी हमला किया गया था। इसके बाद लियोपार्ड को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट विभाग को लगाया गया था और लियोपार्ड को पकड़ भी लिया गया था। लेकिन दोस्तों, खतरे की संभावना को देखते हुए जितने भी लोग अलीपीरी मार्ग से होकर यात्रा कर रहे थे, तो उन्हें ग्रुप में भेजा जाने लगा। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को सिर्फ दिन में जाने की अनुमति दी गई थी। 12 साल से कम उम्र के बच्चे अर्ली मॉर्निंग के टाइम और शाम होने के बाद यात्रा नहीं कर सकते थे। और दोस्तों, जितने भी लोग अलीपीरी मार्ग से होकर यात्रा करते थे और अभी भी कर रहे हैं, तो उन्हें ग्रुप में भेजा जा रहा है। जहाँ भी खतरे की संभावना होती है, तो वहाँ पर वन विभाग के सिक्योरिटी गार्ड नियुक्त रहते हैं, ताकि किसी भी भक्त को कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अलीपीरी मार्ग सुबह के 3 बजे ही खुल जाता है और रात के 10 बजे तक चलता है, यानी कि सुबह के 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक में आप कभी भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट की तरफ से ये बताया गया है कि अलीपीरी मार्ग से होकर यात्रा करने वाले 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अब सुबह के समय भी जा सकते हैं और शाम के समय भी जा सकते हैं, लेकिन उन्हें ग्रुप में ही रहना होगा। दोस्तों, एक व्यक्ति हमें पूछ रहे थे कि एकोमोडेशन की बुकिंग कैंसिल कैसे होती है और इसका रिफंड कैसे मिलता है, और अगर एकोमोडेशन की बुकिंग करते टाइम बुकिंग फेल्ड हो जाती है तो भी रिफंड कैसे मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने एकोमोडेशन की बुकिंग कंफर्म की है और फिर उसे कैंसिल करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले वेबसाइट पर या ऐप पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जब आप बुकिंग में जाएंगे, तो वहां पर आपको कैंसिल का ऑप्शन दिख जाएगा। रही बात रिफंड की, तो रूम बुकिंग कैंसिल होने के बाद 7 से 10 दिन में रिफंड मिल जाता है, और फिर भी रिफंड ना मिले या फिर रूम बुकिंग करते टाइम बुकिंग फेल्ड हो गई हो और रिफंड नहीं आया है, तो आपको TTD के ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट करना होगा, या तो TTD के वेबसाइट पर दिए गए मेल पर आपको मेल करना होगा। दोस्तों, तिरुमाला से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट में तिरुपति बालाजी का नाम जरूर लिखें। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बालाजी, जय गोविंदा।